जी नमस्कार, नमस्ते। मैं कृष्णा वीर गुजर बोल रहा हूँ, आपका भाई। बोलिए बोलिए। नमस्ते। मैं अभी आपके लिए, मैंने अपने राजसाहेब ठाकरे जी के लिए मैंने बात की, योगी जी के उसके पीएसी, तो मैंने बात की थी हमारे राजसाहेब ठाकरे जी को खुलेआम धमकियाँ दे रहा है ये सारण भूषण। तो बोला कि हम कल तक इनके बारे में फुल कार्रवाई लगाएंगे इनके ऊपर, और ये राजसाहेब ठाकरे जी को हाथ नहीं लगा पाएगा। तो क्या हाथ लगाएंगे वो? अभी अभी मैंने इधर अभी हमको अभी साहब ने बोला है अभी कुछ मैंने बोलने के नहीं। नहीं मैंने अभी अभी मैं लगेज तेले में फोन करूं डाकले, ए लगेज में भी विचारूं डाकले में साहिबान लगेज तेने योगी साहेब अजय चीफ मिनिस्टर साहेब सोबत रहतो, त्यांचे मी बोलले के बहु असं आमचे साहेबान धमकी देतो, अयोध्या येणार नाही बोले, अयोध्या नाही आने का बोले, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि ये ऐसा अयोध्या बात में कर रहा, पैर गलत नहीं बात। रख सकते। क्यों नहीं रखेगा, उनके के उनके बाप की थोड़ी अयोध्या। मैंने उसको बोला वही ना, तो ना। वो फोन नहीं उठा रहा। बाकी उनको बोलता हूँ तेरा बाप की औकात देगी, तू तू अयोध्या नहीं आने देगा हमारे को। कौन है तू? हमारे मराठे भाइयों को तुम लोग रोकोगे? जब तुम्हारी औकात ऐसी ऐसी थी, तब तुम लोग जब बम्बई में आते थे, बम्बई में बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करते थे और उनके साथ में बर्ताव करते थे, और सरेआम किसी को ट्रेन में चढ़ते तो गाली गलौज दिया जाते थे। ऐसे मेरे को न्यूज पर लेकर आओ, मैं बताता हूं उनको सारण। अरे वो क्या बात करेगा? अभी अगर राज साहब ने मुझे बोला नहीं होता ना कुछ जी बोलने का नहीं, जी तो उसको मैं बोलता फिर। नहीं ना, अगर तू मेरे तो को बोल अभी रहा ना कि हम अयोध्या आएंगे, जी मैं अरे तो राज साहब का बाल विवाह का हो गए ना, तो जी जितने भी यूपी बिहारी उसको क्या हो जाएगा इधर मालूम नहीं उसको। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आगे तैयार रहूंगा राज साहब के लिए, मैं बिल्कुल आगे तैयार रहूंगा। ऐसे बढ़वे को मैं 5 जून के दिन मैं खुद बताऊंगा उनको कि तेरी अयोध्या में कितनी पहचान है और हम लोगों की कितनी पहचान, तेरे को बताएंगे। हम योगी जी के साथ में खड़े हैं, और तुम कह रहा है कि तू बीजेपी कार्यकर्ता होकर तू ही हिंदू के साथ में बर्ताव कर रहा है, और तू कह रहा है कि अयोध्या में पैर नहीं लगे। जब तेरे इतने भी तेरे आदमी लोग ये कर रहे थे मारा मारी, क्यों करते थे? तुम्हारी आदत ही खराब है ना, तुम लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले तुम गाली गलौज देते थे। हैं, मेरे सामने खुद हो गई ना मालिक। मैं 3 4 बार इन लोगों को देखा हूं, 3 4 बार ये लोग ये ऑलरेडी करते हैं, और मैं इनकी बात नहीं करता हूं, ये फोन करके भी गाली धमकी देते हैं। अरे उसको मतलब पता चल गया कि मैं अभी क्या क्या बोलने वाला हूँ, जी लेकिन मुझे साहब ने रोका था किसी जी को कुछ भी बोलने का नहीं। हाँ ये तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देता मैं। नहीं, मैं कसम से, मैं आपकी जैसे अगर वो टीवी पे ऊपर होता तो मैं इसको बोलता, तेरी औकात क्या है भाई, तू किसको धमकी दे रहा? ये तू है ना, ये टीवी ये सब चिल्लर विल्लर रख दिया हमने। तू मेरे को क्या बोला, हमारे साहब को क्या बोला है कि तुम्हारे लिए राज साहब हो गए, हमारे लिए क्या तू मतलब तू कहना क्या चाहता है? तो अरे हमारे भाई राज वो साहब, कभी कभी धमकी दे रहा है, मैं उनकी कभी धमकी से कभी नहीं डरने बोल वाला रहा हूँ है इस। बहू। मैं क्या बोलता वसंत बहू, मी तेंचे धमकी से मैं डरतो नहीं। मी बाला साहेब तो कून माणूस है, मी तेंची वाट लावू सकता। आता मी योगी साहेबाने मी ते पिय तेंची ओगी मैं तेला फोन करून टाकलाय। मैं कि साहेब हमारे आदमी को, मैं हमारे साहब को वो क्या कह रहा है कि 5 जून को अयोध्या नहीं आने देंगे। कौन है इनकी हिम्मत, कौन है वो? मतलब आपके उत्तर प्रदेश के लोग अगर बम्बई में आके काम करेगा, बम्बई में आकर बम्बई लोगों को धमकी देंगे, हम उत्तर प्रदेश में आके आपको धमकी देंगे, कैसा लगेगा? मैं वही बोला ना उनको, तो बोला ठीक है सर, मैं हम पता करके आपको कल तक बताएंगे। मैं क्या बताने की बात नहीं, उनको बोल दो बृजभूषण तेरे ख्याल में रहे और तेरी औकात में रहे, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मैं बिल्कुल। डायरेक्टली मेरे को बोल रहा जी योगी जी का कुछ संबंध नहीं, ये मेरा वैयक्तिक मामला है, मैं खुद तेरा इनको हानि नहीं ते दूंगा। तुमची एक ऑडिओ क्लिप जी आहे भुंग्या संदर्भामध्ये ती व्हायरल झालेली आहे, काय नेमकं त्याबद्दल? एक राजस्थानी मला माहित नाही तो, मला वाटतं आय थिंक तो जालन्याचा आहे। मला तो रोज संध्याकाळी फोन करतो, पण गेल्या 2 3 दिवसापासून क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्याचा कुठलाच फोन मला आलेला नाही। गुर्जर म्हणून कोणतरी आहे, त्यांनी मला आपला रात्रीचा 11:30 वाजता फोन केला होता, आणि तो फोन त्यांनी रेकॉर्ड केला आणि त्यांनीच टाकून दिला तो परत। तसा म्हणजे असं त्याच्यात विरोध वाढतोय, राज साहेबांना चुहा असं म्हणालेले आहेत। त्याच्या बाबतीमध्ये माननीय राज साहेबांनी सर्वांना सांगितलेले आहे की तो संपूर्ण विषय हा
पक्षाचे प्रवक्ते नेते तो विषय बोलतील, त्यामुळे त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये मी तरी काहीच बोलणार नाही.